मम्मी रेडियो ना मत के लिए मत दे ये मत हो चुका है अपन का हमें मत दिया है पापा मत दिया है बहुत सरस लगी मत तो देवो पड़े हां क्योंकि आपलो अधिकार है हां तो अभी तुमने ताजा ताजा वोट दे के आए हो ने इसलिए ब्लू है थोड़ा दो तीन घंटा चला जाएगा ने बाद में ब्लैक हो जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा वेलकम टू हस्ती चावड़ा चैनल। तो दोस्तों आज है वोटिंग डे और हमें वोट करना चाहिए और ये हमारा अधिकार है। तो हम लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए, मैं मम्मी पापा और भाई तो अभी वोट करने के लिए गया है तो वो वोट कर देगा। तो हम लोग जा रहे हैं वोटिंग के लिए। तो अगर आप वोट नहीं करते हो तो आपको वोट करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, वोट ज़रूर करना चाहिए। तो एक मत एक लाख मत के बराबर है। तो भाई ज़रूर जाइए मत कीजिए। अगर आपके आसपास कोई मत नहीं कर रहा है, वोट नहीं दे रहा है तो उन्हें भी बोलो कि मत करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मम्मी से पूछते हैं कि मत के बारे में मीन्स के वोट के बारे में मम्मी की क्या राय है। मम्मी क्या वोट देवो जरूरी है कि नहीं? मत देवो पड़े। अमुक लोग मत नहीं देता तो एन तारे शू कहू ई लोग ने मत देवा जावानू मत देना जरूरी है। मैं भी कह रहा हूँ कि मत देना, वोट देना बहुत ही जरूरी है और मम्मी भी कह रहे हैं। अब एक बार पापा से पूछ लेते हैं कि पापा की क्या राय है। पापा आपकी क्या राय है, मत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मत तो देने का है, देना जरूरी है। मत एक उत्तरदान है और ये देना ही जरूरी है। कुछ लोग मत देते नहीं है, उन लोगों को क्या कहना है आपका? ये नो समझे तो शुरू करिए नहीं समझे तो शुरू करिए। देखो भाई कोई वोट नहीं करता है तो उनको समझाओ कि भाई वोट करो कितना जरूरी है। बाकी लाइट बिल आ चुका है तो हम लाइट बिल भर देंगे। अभी इस महीने का लाइट बिल आ चुका है 570 और 1030 हमारा लाइट बिल आ चुका है। तो अभी हम लाइट बिल भरेंगे और फिर हम लोग जाएंगे वोटिंग करने के लिए। देखो भाई ये अभी स्टार्ट हो रहा है कोटक महिंद्र बैंक से, मैं भर दूंगा लाइट बिल। हम जाएंगे बिल पे एंड रिचार्ज पे, 6 डिजिट MP डालेंगे। देखो सबसे पहले जाना है इलेक्ट्रिसिटी में, फिर बिल नंबर सॉरी बिलर नेम डालना है, उसमें टोरेंट लिख देना है। टोरेंट उस पर क्लिक करो, सर्विस नंबर डालो यानी कि कस्टमर आईडी जो यहाँ पे है ये कस्टमर आईडी डालो और कंटिन्यू। हमारा बिल भी 1030 है वो लिखा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसके बाद सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंफर्म एंड पे। दोनों बिल पे हो चुके हैं तो अच्छी बात है, चल जा करो चंद किला। लो बा बिल थी गयू तमारो, कोई टेंशन नहीं बात नहीं बराबर ओके। तो वोटिंग के लिए हम जा रहे हैं, मैं और पापा रेडी हो चुके हैं। रेडी ना पापा? एकदम रेडी। वोटिंग वोट करना हमारा अधिकार है तो हम वोट करके रहेंगे भाई। तो हम फाइनली हम लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए और सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा था और कितना इंतज़ार करूँ यार, चलो चलते हैं। मम्मी रेडी हो ना मत के लिए यार, मत देवा जाऊँ फटाफट निकल जाएगा, फटाफट निकल दिए मत देवा जाऊँ। हेलो हेलो। तो मम्मी पापा ने और मैंने मत दे दिया है, ये मत हो चुका है अपन का, अपन का मत हो चुका है। मम्मी क्यों लागे थे? हम मत दे के आए हैं और मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी किसको देना है किसको नहीं, लेकिन हो गया, सिखा दिया वहाँ पे। मम्मी को पता नहीं था कैसे मत देते हैं तो पहली बार था तो मम्मी को सिखाया गया वहाँ। देश में देते थे लेकिन अभी थोड़ा कंप्यूटर वाला था तो मम्मी को पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ जो भाई थे ना उन्होंने हमें सिखाया
मतलब मम्मी को सिखाया, मुझे तो याद मम्मी को सिखाया। અમે મત થઈને આવી ગયા છીએ, ઘરે જઈએ છીએ મમ્મી મત દે એમ તો કે આમ તો કે અબ ઘર જાકે બાત કરેંગે। તો મમ્મી મત દે કે કેસા લગ રહા હે? હા અમારા જમાનામાં તો મત દેતા જ ચિઠ્ઠીમાં મત દેતે થે। આ તો બટન વાળું પહેલે વાર જોયું, બટન कन्फ्यूज सही गई मम्मी कन्फ्यूज हो गई थी कि किस तरह से बटन को। मम्मी को पता था किसे देना है, किस व्यक्ति को देना है वो पता था मम्मी को, लेकिन किस तरह से देना था वो नहीं पता था। तो वहाँ जो भाई थे ना उन्होंने सिखाया मम्मी को, है ना मम्मी? वो बोला कोई भी बटन एक दब भी दो। तो आपके जमाने में क्या चिट्ठी में नाम लिख देते थे, कालू भाई को मत दो ऐसा? तो किसको मत दो ऐसा नाम? तो चिट्ठी में नाम लिखा हुआ आता था, फिर वो चिट्ठी हमें देने को रहती थी। तो किस तरह था वो मुझे जानना है। एवढी पावती आपे, झाड़ू वाला हो, कमल वाला हो, ये बधुं होय, ई चिट्ठी फाड़ी दे, चिट्ठी में लखू एने देवानुं एम। अच्छा वैसा था, एवुं हतुं। अभी तो डिजिटल हो गया ना, बटन दबाओ और बटन दबाओ, ब्लू बटन दबाओ और टीट ऐसा आवाज आएगा। पहला जैसा नहीं है, पहला जैसा नहीं। आप पापा से पूछते हैं। हमें मत दिया है वाची है। हाँ पापा मत दिया है वाची। बहुत सरस लगी। मत तो देव पड़े कारण के आपड़ो अधिकार छे, आपना अधिकार है, आपड़ो है आपड़ो अधिकार। आपड़े एक मत थी माणस जीती जाय अने हारी पण जाय, बहु मत મહત્વનો છે, મહત્વનો છે। અને એક મત તો દાન કરવું જ પડે, એટલે તો મતદાન કીધું છે, મતનું એક દાન કરવામાં આવે છે, મતદાન કરના પડેગા, કરવું જ પડે, કરવું જ પડે એમ। બોલા મુજે વો આપ બતાવો ના, આપકે આપકે જમાને મે કે કેસે પહેલા પહેલે કે જમાને હું છે ત્યારે સિક્કો મારવો પડતો હતો, અત્યારે વોટિંગ મશીન આવી ગયા છે, નવા સિસ્ટમ થઈ ગયા છે, ફરી ગઈ પહેલા એવું હતું અમારા સમયમાં। અભી તો બટન દબા કે થોડી દેર રુકના પડતા હે, ફિર અવાજ આતા હે ટીટ એસા અવાજ આયેગા, ત્યારે બટન દબાવવું પડે છે। અને મતદાન હવે આવી ગયા અમે, ને હવે કામે ચડી ગયા, કામે ચડી ગયા, તમે કામે ચડી જાઓ બરોબર ને, એ સહી ને, તમે કામે ચડી જાઓ ભાઈ, અમે કામે ચડી ગયા। તો રાહુલભાઈ આપણે મત દઈએ એવા? अरे आपने हवार में 9 बजे दिए। तो हम हिंदी में बात करेंगे, ठीक है? हाँ हिंदी में बात करेंगे, ठीक है? तो मत दे के आए सुबह में, मैंने वोट दिया 9 बजे सुबह, मत दे के आ गए ना आप? हाँ सुबह में 9 बजे मैंने सब पहले का क्या काम किया, वोट का ही काम किया, पहले वोट दे के आए, बाद में सब कुछ ऑफिस का काम था वो बाद में, क्योंकि नहीं होता है, वोट का दिन था आज इसलिए काम नहीं होगा, सरकारी सब जगह पे बंद होगा, छुट्टी होगी, इसलिए आज सुबह में मैं उठकर नहा धो के बाद में वोट गया देने गया था। इधर मेरा चुटनी कार्ड है ना, इधर का नहीं, मामा का घर का है, मामा का घर का, इसलिए मुझे हमारे साथ नहीं आए थे, हमारे साथ नहीं आएंगे, वर्षा में लगता है। हाँ रोड, तुम्हारे हाथ में कौन से रंग की शाही लगाई है? मेरे हाथ में जो शाही लगाते है ना वो दिखाओ, पहले मुझे दिखाओ, समय जाने के बाद देखो मेरी ब्लू है। तो अभी तुमने ताजा ताजा वोट दे के आए हो ने, इसलिए ब्लू है, थोड़ा 2-3 घंटा चला जाएगा ना बाद में ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसकी निशानी क्या है कि आप एक बार मत दे सकते। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपको भी ब्लू लगाया हुआ था? हाँ मुझे ब्लू लगाया था, बाद में मैंने सुबह में 9 बजे दिया था वोट, कितने 9 बजे, इसलिए अभी कितने बजे है, 5-6 बज गए हो गए, तो कितना 4 घंटा हो गया। हाँ 4 घंटे नहीं, ज्यादा घंटे हो गए यार। कितना गिनो ना आप, गिनो ना, गिनो ना, मैं क्या गिनू, 12 कलाक, 7-8 कलाक हो गई, 7-8 कलाक हो गए ना। तो अभी भाई ये कह रहे थे क्या, मतलब वो वोट दे के आया थे तो उससे सब पूछ रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना देते हो भाई के साथ, मजा आएगा, बहुत ही मस्त है, मजा आया ना भाई के साथ वीडियो देखने में, अब हर रोज आएंगे वो वीडियो बनाएंगे सब्सक्राइब करवाएंगे। मैंने बोला है अगले वीडियो में बोला 10,000 तो होने वाला है, अब तो डेफिनेटली 10,000 हो जाएगा।
तो भाई अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों का इतना शेयर करो कि 10,000 एक महीने में कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।